दादा जान के बारे तो मैं अगर आपको बताने लगूँ तो रात हो जाएगी। उनका नाम था लामा मशरकी और उन्होंने वो पूरे सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। बहुत ही प्राउड हूँ कि मैं पाकिस्तान को साउथ ईस्ट एशिया समिट में रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उससे उसमें मुझे बहुत ही खुशी हुई है। एक ऐसी ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून से मिलवाने लाई हूं जो हालिया में बांग्लादेश से दो एजाज लेकर लौटी हैं, नीना रानिया खान, और ये है उनकी रिहाइश का चशा में। अस्सलाम वालेकुम नीना खान। मैं बिल्कुल ठीक हूं। 500 CEOs ऑफ 8 to 10 कंट्रीज शामिल थे। सम पार्टिसिपेंट थे, सम अवार्ड्स लेने आए थे। तो जो आपको बांग्लादेश से दो अवार्ड मिले हैं, पहले तो हमें सबसे पहले उनका दीदार करवाएं और बताएं कि वो किस वजह से आपको मिले। ये वाला है इधर, ये मुझे मिला है टॉप 100 पावरफुल वुमेन इन साउथ ईस्ट एशिया का अवार्ड, और उन्होंने मुझे टॉप 10 कैटेगरीज में नवाजा है। सो दिस अवार्ड इज इन कनेक्शन विद दैट, इसमें वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी फॉर इंस्पिरेशन, लीडरशिप, वो सब इसमें मौजूद हैं, उनका क्राइटेरिया जो था। तो एक ये है और दूसरा ये है, बट एक और भी अवार्ड है वो जो जिस पे मेरा नाम स्लाइटली इनकरेक्ट स्पेल किया था, तो उसकी वेट मैं कर रही हूँ। तो दूसरा जो है ये किस चीज़ के लिए मिला था? उन्होंने ये बिजनेस आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड। और ये बाकी अवार्ड किस चीज़ के पड़े हुए हैं? देखिए, ये वाला जो है जिससे मैं बहुत ही प्राउड हूँ, ये मुझे मिला था APPS UK की तरफ से। APPS stands for All Physicians and Doctors Association in UK, hundreds and hundreds in members हैं। तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था, आई एम ऑल्सो द ट्रस्टी एंड को फाउंडर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द APPS। उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था कि आप पाकिस्तान और UK की एम्बेसिडर हैं और आपने आई कैटरा के ऑपरेशन फंड रेज करनी है, तो टारगेट था 2000 आई कैटरक्ट ऑपरेशन इन पाकिस्तान। ओ माशाल्लाह, तो हाफ पे मैं अचीव कर चुकी हूँ। 1000 लोगों का आप इलाज करवा चुकी हैं? हमारे डॉक्टर्स जो इस एसोसिएशन में हैं, दे आर स्प्रेड थ्रू आउट पाकिस्तान, तो वो 1000 तक तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। माशाल्लाह, तो आई एम वेरी पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ दिस वन। और बाकी जो इधर हैं 4-5, वो अगेन वेरियस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जो भी मेरी असिस्टेंस होती है तो उन्होंने इन अवार्ड से नवाजा है। दूसरे भी चैरिटी के अवार्ड्स हैं, जो मेरे अदर 20-22 अवार्ड्स हैं, बिजनेस आउटस्टैंडिंग अवार्ड्स इन एज अ ब्रोकर। आई वर्क फॉर सिटी बैंक एंड टू सेकेंड लार्जेस्ट ब्रोकर इन द वर्ल्ड। तो उधर वो अवार्ड्स हैं वो मेरे पाकिस्तान में अवार्ड्स पड़े हैं। अच्छा, तो शिफ्टेड टू पाकिस्तान फॉर फ्यू ईयर्स। अभी भी मेरा घर इधर कैंट में है, तो बहुत सारे वहीं उधर अलमारी में पड़े हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप हमें अपनी ज़रा थ्रू योर कैरियर जर्नी और आपको ये कैसे ख्याल आया इतने सारे काम करने का, तो ये पियानो कौन बजाता है? पियानो मैं भी बजा देती हूँ, बट ये कि पियानो की अलग स्टोरी है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने थोड़ी जाहिर किया था कि मुझे पियानो का बहुत शौक है। तो लिटरली अबाउट 2 months ago माई हस्बैंड प्रेजेंटेड मी विद दिस आफ्टर ऑल दिस इयर्स ऑफ मैरिज, एंड ही पर्टिकुलरली रिमाइंडेड मी कि मैं भूला नहीं था। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस टू। नीना, आप हमें ज़रा अपना थोड़ा सा अपने दादा के बारे में भी बताइएगा कि उनका हिस्ट्री में क्या रोल था उनका। दादा जान के बारे तो मैं अगर आपको बताने लगूँ तो रात हो जाएगी। उनका नाम था लामा मशरकी और उन्होंने वो पूरे सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, रिलीजियस स्कॉलर थे, जिनकी क्या कहते हैं तज़किरा जो उन्होंने किताब लिखी थी वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स, बहुत रिकॉर्ड्स दुनिया के ब्रेक किए, इंक्लूडिंग डूइंग 4 मास्टर्स डिग्रीज इन मैथमेटिक्स, जो आज तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। तो ये कि वो मैं ख़ुद उनके बारे क्या कहते हैं, बहुत मेरी ख्वाहिशें हैं कि मैं उनका नाम रोशन करूं, पाकिस्तान में एक मेमोरियल हो, उनके नाम से अवार्ड दिए जाएँ स्कॉलरशिप के कैम्ब्रिज के। तो आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर माई ग्रैंड फादर, बट उन्होंने बहुत बड़ा किरदार प्ले किया
in the partition, in the independence of Pakistan with Allama Iqbal sahab, Jinnah sahab. Qaid-e Azam aur Allama Iqbal se ke saath unka interaction hua tareek mein? Haan ji, bilkul hua. Aur Jinnah sahab se bhi hua. और ये सारी हिस्टोरिकल बुक में हैं और उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया और वो सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही बड़ी शख्सियत माने जाते थे और उनके बारे 27 यूनिवर्सिटीज़ में उनकी क्या कहते हैं उनकी हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे आज तक बातचीत की जाती है. नीना, आपने इतना कुछ ओवरसीज ब्रिटिश पाकिस्तानी होने के नाते बहुत कुछ किया, क्या आपने कुछ पाकिस्तानियों के लिए भी किया है या कुछ करने का इरादा है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के लिए कुछ कर रही हैं अभी? सबीना, बिल्कुल. पाकिस्तान तो बहुत दिल के क्लोज है तो यकीनन पाकिस्तान में भी बहुत कुछ करना है और कर रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, एक तो हम थोड़े कॉलीग्स एसोसिएट्स एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं पाकिस्तान फ्लड विक्टिम्स के लिए टू रेज फंड्स फॉर द फ्लड विक्टिम्स एंड दैट्स क्वाइट अ बिग प्रोजेक्ट. और उसके अलावा मैं पर्सनल बेसिस पे काफ़ी चीज़ें में इन्वॉल्व हूँ. मैं एक मेरी प्रोडक्शन कंपनी है जिसमें हम टॉप एंड ड्रामेस लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं NRK प्रोडक्शन विद अ कॉलीग ऑफ माइन. फिर मैंने एक ऐप में भी मैं जॉइंट वेंचर है एक पाकिस्तानी फीमेल लेडी के साथ. उसमें हम इंटरनेशनल सर्विसेज, जो इंटरनेशनल क्लाइंटल होते हैं पाकिस्तान आते हैं उनको मुश्किल होती है ड्राइवर ढूंढना या टेलर ढूंढना या ब्यूटिशियन ढूंढना, पीपल हु आर रिलायबल एंड ऑथेंटिक एंड आर सर्टिफिकेटेड. तो पाकिस्तान में आपने सॉलिड इन्वेस्टमेंट भी की है क्योंकि कोई ऐसी ये चीज़ें ऐप कंपनी में काफ़ी बड़ी सॉलिड इन्वेस्टमेंट है. और फिर हम इनकी फ्रेंचाइजीज खोलेंगे थ्रू आउट पाकिस्तान. अभी हमारा फ्लैगशिप स्टोर जो है वो लाहौर से है. तो इसके अलावा ये जो ड्रामा स्क्रिप्ट है, मैं एक लिरिसिस्ट भी हूँ, सॉन्ग राइटर भी हूँ और मैं एक CEO हूँ एक रिकॉर्डिंग कंपनी में जिसमें हम पाकिस्तान का टैलेंट प्रमोट करते हैं. तो सफीना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स में, फिल्म प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व हूँ, तो काफ़ी मेरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं. और मुझे लगता है कि जिस स्पीड से और जिस टेरिटरी में मेरे प्रोजेक्ट्स हैं कि मुझे पाकिस्तान मूव करना ही पड़ेगा. मेरी वैसे भी इंटेंशन है मेरे हस्बैंड की कि हम लोग चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, टाइम डिवोट करें, अपनी एनर्जीज, अपनी इन्वेस्टमेंट्स. तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली वी विल बी स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम इन पाकिस्तान.